मध्य प्रदेश में 53वां जिला मऊगंज बना है, जहां मऊगंज में 77वीं वर्षगांठ स्वतंत्रता दिवस पर ध्वजारोहण का कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें कलेक्टर, एसपी, विधानसभा अध्यक्ष और पुलिस के आला अधिकारी उपस्थित हुए और देशभक्ति सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी आयोजन हुआ। विधायक प्रदीप पटेल ने कहा कि देश की आज़ादी में अपना बलिदान देने वाले वीर सपूतों को नमन किया और जनता लगातार मऊगंज को जिला बनाने की मांग कर रही थी। इस पर मुख्यमंत्री को प्रस्ताव भेजा गया और सीएम ने मऊगंज को जिला घोषित कर दिया है। यहाँ के लोगों को इसका बहुत फ़ायदा मिले, पूरी तरह से जो सरकार की योजनाएं हैं ये अंतिम पायदान का जो व्यक्ति है वहाँ तक पहुँचे और विकास की गंगा यहाँ पर बहे। और जिस तरह की अपेक्षाएं लोगों की हैं नए जिले से, जिस मंशा से सरकार ने नया जिला गठित किया है, हम सब मिलके एक टीम के रूप में उन अपेक्षाओं को, उन आशाओं को हम पूरा करने का पूरा प्रयास करेंगे। और आज जो स्वतंत्रता दिवस भी है, मैं मऊगंज के सभी लोगों को इसकी बधाइयाँ देता हूँ और पूरी शुभकामनाएँ देता हूँ। धन्यवाद। स्थापित हो जाए और सुचारू रूप से चलने लगे, जिससे न्याय मिल सके। आज स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर मऊगंज जिला के लिए ये बहुत गौरव की बात है कि पहला कार्यक्रम हुआ है यहाँ पर और आप सभी लोगों के सहयोग से बहुत गौरवमय तरीके से, बहुत गरिमापूर्ण तरीके से ये कार्यक्रम आज संचालित हुआ है। सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएँ और उज्ज्वल मऊगंज जिले के उज्ज्वल भविष्य की सबको कामना करता हूँ।